जिस तरह का वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस तरह का वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। हम आपको बताएंगे लिरिक्स के अंदर आप लोग कैसे रेन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही ओपन होता है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आपके फ़ोन में ये VN एप्लीकेशन नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन मिलता है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ऑप्शन में आना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैक स्क्रीन का इमेज है इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। ब्लू वाला आइकॉन है, इसमें आपको क्लिक करना है तो ये जो इमेज है ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्लाइड करना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वाटरमार्क मिलेगा VNF का, तो ये डिलीट वाला ऑप्शन में जाकर इसको आप डिलीट कर सकते हो। तो पहले आपको म्यूजिक को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उस हिसाब म्यूजिक के हिसाब से आपको लिरिक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक है, इसमें आपको क्लिक करना है। म्यूजिक वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ से म्यूजिक को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हैं म्यूजिक ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पे देख सकते हो जो सेकंड वाला है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से लिरिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिरिक्स जो है हम लिख चुके हैं, लिख देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं, गाइस यहाँ पे देखिए लिरिक्स लिख चुके हैं। उसके बाद लिरिक्स का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर इसका जो अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, यहाँ फॉन्ट वाला ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ से इसका जो फॉन्ट है आप चेंज कर सकते हो। तो ये वाला फॉन्ट है, ये वाला बहुत ही अच्छा है, तो ये फॉन्ट को हम रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे मोशन वाला ऑप्शन में जाना है। जैसे जाते बहुत सारे यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हो। उसके बाद ये वाला इफेक्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे डन में क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कर रहे हैं कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, जो एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला है इसको आपको डिलीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा यहाँ पे टैप करना है, देन टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाकर दोबारा जो सेकंड जो ये है पार्ट है गाना का उसको हमको लिखना है कुछ इस तरह से। तो गाइज यहाँ पे सारा जो पार्ट है आपको गाना सुनकर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद चलिए हम दिखाते हैं। सो गाइज हम यहाँ पे सारा जो पार्ट है यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सब में मतलब क्लिक करके इसका जो मोशन है कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। इसका मोशन चेंज कर लेना है, मतलब इसका जो आने का स्टाइल जाने का स्टाइल है वो सब चेंज कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देन गाइस मेरा रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को सेव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आप 1080p में इस वीडियो को सेव कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो है सेव हो चुका है मेरे फ़ोन में। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नोट वीडियो, ठीक है। नोट वीडियो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ प्लस वाला आइकॉन है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रेड वाला प्लस वाला आइकॉन है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया वाला ऑप्शन में जाकर जो वीडियो आप सेव किए हो अभी VNF में वो वाला वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेना है। चलिए हम वो वाला वीडियो ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये वाला वीडियो है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं ऐसे स्टोर है इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इसमें देखिए ग्लो स्कैन है, उसके बाद ग्लो है, ठीक है। तो ग्लो स्किन में जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो यहाँ पे जो लिखे है कुछ इस तरह से देखिए ग्लो आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इस ग्लो को चेंज करना चाहते हो इसका कलर, तो इसमें भी ग्लो कलर का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं इसका जो कलर है आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ ऊपर वाला क्लिक करना है तो आपका जो यहाँ पे कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं एस सेट स्टोर में दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो इफेक्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे रे वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको रे वाला इफेक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ प्लस वाला आइकॉन में जाके एस सेट स्टोर में जाना है।
उसके बाद नेचर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते रेन ड्रॉप वाला ऑप्शन मिलेगा आपको देखने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो ठीक है। तो यहाँ से आप रेन ड्रॉप का जो है आप इफेक्ट ले सकते हो। इसमें अगर थोड़ा बहुत अगर इफेक्ट चाहिए रेन का तो यहाँ तो यहाँ पे टिक है, इसको अनटिक करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रेन यहाँ पे लग जाएगा ठीक है। सो गाइज कुछ इस तरह से आप अपना वीडियो को बना सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को एकदम कंप्लीट बन गया है। इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे में डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं ये जो वीडियो बनाए हो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। सो गाइज कुछ इस तरह से आप रेन ग्लोइंग टेक्स्ट लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।